हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल QFAT में। हाजिर हूँ एक नए वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। आज आप इस वीडियो में जानेंगे डीमार्ट की वैकेंसी के बारे में। एक वैकेंसी फीमेल के लिए है और एक मेल के लिए है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को लिया जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको जॉब मिल जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पर HR की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। और एक और यहाँ पे वैकेंसी है जो कि HR के लिए है, तो अगर आपके पास HR का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट HR के पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर फ्रेशर हैं तब भी आपको यहाँ पे डीमार्ट में आपको जॉब मिल जाएगा। तो आप जान लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है और कितने घंटे यहाँ पर ड्यूटी करने पड़ेंगे और सैलरी वगैरह यहाँ पर कितनी मिलती है और कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो सभी बातें आप बहुत ही नॉर्मली आप आसानी से जान पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, तो अगर आप मेल हैं तब भी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा और फीमेल है तब भी आपको जॉब मिलेगा। और एक्सपीरियंस वगैरह मैंने आपको बता दिया, HR के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जबकि अगर आप यहाँ पे प्रमोटर के लिए आप ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे ब्रांड प्रमोटर होता है बहुत सारे यहाँ पर आप जानते ही होंगे अगर आप डीमार्ट के अंदर गए होंगे, तो अगर उसके लिए आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ इसके लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप जान लीजिए कि ये जो डीमार्ट है ये डीमार्ट है कहाँ पे और कौन से डीमार्ट की वैकेंसी है। तो ये जो डीमार्ट है गुजरात के अहमदाबाद के जो मोटेरा स्टेडियम है, मोटेरा में जो डीमार्ट है वहाँ की वैकेंसी है। और दूसरा एक और डीमार्ट है जो कि अहमदाबाद के ही सैटेलाइट में है। तो आप इन दोनों डीमार्ट में से किसी भी डीमार्ट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो एज क्राइटेरिया है जॉब लेने के लिए, वो मिनिमम 18 साल तो आपका कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल तक लिया जा रहा है। तो अगर आपका एज 18 से 30 साल के अंदर आता है तो आपको आसानी से यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे ड्यूटी का टाइमिंग का, तो ड्यूटी का टाइमिंग काफ़ी अच्छा है। आपको दिन में यहाँ 12 बजे से आपको ड्यूटी करना होगा और रात के 9 बजे तक यहाँ आपको ड्यूटी करना है। ये जो सैटेलाइट डीमार्ट में है वहाँ गर्ल्स के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए वैकेंसी है, और मोटेरा में जो डीमार्ट है यहाँ पर मेल के लिए वैकेंसी है। तो आप इन दोनों में से जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात रही कि यहाँ पे जॉब लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो अगर आप प्रमोटर के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10वीं पास और 12वीं पास मांगी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर 12वीं पास है तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। अब बात रही कि यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी आपका यहाँ पे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके डिटेल्स में आप इस जॉब के बारे में आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो अब आप दूसरी जॉब के बारे में जान लीजिए जो कि HR की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो HR के लिए अभी वैकेंसीज है उसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 6 मंथ का, यानी 6 मंथ टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे फिनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आपको ही लिया जाएगा। अब बात रही कि आप अगर HR के लिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी आपका डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि क्या आपकी एक्सपीरियंस है। और इसका जो लोकेशन होने वाला है वो है CG रोड अहमदाबाद। तो इन दोनों जॉब में से जिस भी टाइप का आपको जॉब करना हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, जो भी आप जॉब करना चाहते हो, तो आप आसानी से बिल्कुल फ्री में इन दोनों में से किसी भी जॉब को कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया है तो आप डायरेक्ट उनसे बात भी कर सकते हैं, जॉब से रिलेटेड आपको जो भी पूछना हो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की ज़रूरत है ताकि वो जॉब आसानी से ले सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।